इस वीडियो को शूट करने के लिए आपको एक ट्राइपॉड की ज़रूरत होगी। आप ऐसे एक्टिंग कीजिए कि आप ऊपर की तरफ उड़ रही हो। आप कैमरा को थोड़ा ऊपर ऐसे उठाइए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। कैपकट ऐप को ओपन कर लीजिए और न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करके वीडियो को इंपोर्ट कर लीजिए। जहाँ पे उड़ने वाला एक्टिंग ख़त्म होता है वहाँ पे वीडियो को स्प्लिट कर दीजिए और सेकेंड पार्ट को डिलीट कर दीजिए। अब रेशियो पे जाके 5:8 रेशियो को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे ये होगा कि जब तुम वीडियो की बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तब वीडियो के बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव होगा। और इस वीडियो का एक बार एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट होने के बाद बैक करिए और अंडो कर दीजिए। अब जहाँ से कैमरा ऊपर की तरफ मूव करेगा वह स्प्लिट कर दीजिए और मिडिल पार्ट को डिलीट कर दीजिए। अब उस वीडियो को इंपोर्ट कीजिए जिस वीडियो को 5:8 रेशियो पे सेव किया था। वीडियो को फुल स्क्रीन पे जूम कर दीजिए। अब मेन वीडियो को स्प्लिट कर दीजिए जहाँ से उड़ने की एक्टिंग शुरू होता है और सेकेंड क्लिप को डिलीट कर दीजिए। अब लेयर पे टैप करके कटआउट पे जाके बैकग्राउंड रिमूव कर लो। अब मेन वीडियो के दो क्लिप के बीच सुपर इम्पोज ट्रांजिशन को लगाएंगे। ड्यूरेशन को 0.5 सेकेंड रख लेना। अब लेयर पे की फ्रेम लगाएंगे। जहां उड़ने वाला होता है वहां पे एक की फ्रेम और एंड पे एक की फ्रेम। अब लेयर को थोड़ा सा स्केल डाउन करके ऊपर की तरफ खींच देंगे। अब वीडियो को एक बार एक्सपोर्ट कर लीजिए। अब न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करके उस वीडियो को ऐड करेंगे जिस वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया था। अब इस स्पीड पे टैप करो और कर्व पे टैप करो और कस्टम पे टैप कर दो। जहाँ से उड़ने वाला होता है वहाँ पे वीडियो को स्पीड बढ़ाएंगे। एंड पार्ट पे वीडियो को स्लो डाउन करेंगे। मेक इट स्मूथर पे टैप करके बेटर क्वालिटी पे टैप कर दो। अब कैमरा ट्रैकिंग पे जाके AI मूवमेंट और सॉफ्ट पे टैप कर दो। अब आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो।